नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। वैसे तो कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोलने का कोई अवसर छोड़ती नहीं, इसलिए आज राजेश ठाकुर ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस वार्ता की और जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि ये धर्म की चाशनी में लोगों को डुबाने का काम करती है और बेवकूफ बनाती है। इसके साथ ही और भी कही, जैसे पेट्रोल डीजल जैसे महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही पूजा सिंघल के मामले पर भी कई अहम बयान दिए है। आइए सुनते हैं राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा। आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिस तरह में से आप देखते हैं देश में पूरे नफरत का माहौल है, लोग डर के साए में जी रहे हैं, धर्मांधता रूढ़िवादिता चरम पर है, समाज में विभाजन का बीज बोकर तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी राजनीति में अपनी जगह तलाशती रहती है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, रोजगार, खेती मुद्दे नहीं रह गए हैं, क्योंकि जो हालात बने हैं उसमें भाजपा जो जिन मुद्दों को प्रायोजित करती है उसी को दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई जो मीडिया के घराने हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। आप देखिए, चाहे श्मशान की बात हो, कब्रिस्तान की बात हो, बुलडोजर की बात हो, लाउडस्पीकर की बात हो, लगातार इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं नफरत फैलाकर और आस्था और धर्म की चाशनी चटाकर पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो लोग महंगाई की बात करें, जो लोग बेरोजगारी की बात करें, उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच सके या यूं कहीं लोगों की आय घट गई है। 15 लाख हर व्यक्ति को देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, लोगों ने सोचा पहले वर्ष पूरा नहीं कर पाए, दूसरे वर्ष नहीं कर पाए, तीसरे वर्ष नहीं कर पाए, और जो जब नोटबंदी किया, GST लाया, तो लोगों को समझ में आया कि शायद हमारे 15 लाख का जुगाड़ कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि झारखंड में जिस तरह से पैसे रुपए मिल रहे हैं तो झारखंड के लोगों को निश्चित रूप से 15 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जो काले धन की प्राप्ति हो रही है, उससे कुछ न कुछ पूरा करने का काम करेंगे। आप देखते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह गर्त में चली गई है। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि प्रधानमंत्री जी के उम्र की तरह डॉलर की कीमत बढ़ रही है, और आज प्रधानमंत्री जी की उम्र से 10 वर्ष आगे निकल चुकी है जो डॉलर की कीमत है, 77.56 हो गई है, जो 75 साल में रुपए के लिए सबसे बड़ी गिरावट है। आप देख रहे हैं किस तरह से बाजार रोज लुढ़कता है और करोड़ों लोगों के पैसे डूब जाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।